हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। मैं हूं सूरज। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पार्ट टू। ठीक है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट वन में काफी कुछ डिस्कस किया था पूरे बेसिक लेवल से, और वहां पर हमने करीब करीब 8 क्वेश्चन किए थे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए थे बैंक पीओ में और क्लर्क में। ठीक है, और अभी आगे भी जितने क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा आपको सारे आपके प्रीवियस ईयर के रहेंगे। ठीक है, तो अच्छा जिन लोगों ने जो है नहीं देखा है वीडियो, तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में पार्ट वन का, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ट्राई करना चाहते हैं तो एमजीएसपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जो है वो सारे अवेलेबल होते जा रहे हैं। आप चाहें तो एक बार जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो उसका भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का लेक्चर जो है शुरू करते हैं। देखिए आज का लेक्चर है, यहाँ से आपकी क्वेश्चंस जो है मैं कराना स्टार्ट करूँ, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट की तो वो सारे कॉन्सेप्ट आपको जो है पुराने वीडियो में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप जो है जाके उससे जरूर देखिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे घबरा रहते हैं कि रूट में ऐसे कैसे आ रखा है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दे ही रखा है, यहाँ पर आपको जो है रूल अलग अलग करके यहाँ पर फैक्टर करके ऑलरेडी आपको दे ही रखे हैं ना, तो अगर आप यहाँ से आपको सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा आपका आंसर। अब यहाँ पे क्या करें, आपको 3.6 और 6√17 है ना, और 6√17 आपको दे रखा है। 6√17 का आप 6+√17 को जोड़ दीजिए और 6√17 की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6√17 ही आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, आपके पास दो फैक्टर, एक तो 6 है और एक √17 है, क्योंकि √17 का अगर आप रूट निकालोगे तो कितना निकलेगा आपका 4×16 जो कि 6 से कम है। इसलिए बड़ी बड़ी संख्या आपकी लेफ्ट हैंड में आती है और जो छोटी बड़ी संख्या आपके राइट हैंड में आती है। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं माइनस की बात करता हूँ तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा प्लस, और इस प्लस में देखा कि बराबर की मेरे बगल में कौन देखा है, ईमानदार, यानी कि माइनस को बोलते हैं हम ईमानदार। जिनको नहीं समझ आया वो पीछे देख सकते हैं, और जिनको वहां पर नहीं समझ आया तो वो रट सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पहले से पता है कि आप रट रहे हैं उसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्लस है, प्लस के प्लस में बगल में देखा तो उसके माइनस बैठा यानी ईमानदार बैठा। इसका मतलब क्या है कि उसने कहा कि मुझे साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये आपका आ गया। ठीक है, अब मैंने आपको ये भी कहा था कि ये जितने भी रूट आपके निकलते हैं या किससे आपके डिवाइड होते हैं जो है ए से, ए की वैल्यू है 3 और यहाँ पे आगे ए की वैल्यू 3। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। देखिए 5 या 15 और 15√17, तो यानी कि आपको फैक्टर करके पहले से ही दे रखे हैं, 1 15 है और 1 आपका √17 है ना। और अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ माइनस के, तो ये इसका माइनस का क्या है, साइन चेंज हो गया, आ जाएगा प्लस। और यहाँ पे इस माइनस ने क्या देखा कि मेरे बगल में कौन बैठा है, ईमानदार ही माइनस बैठा है, तो मुझे साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसका आ जाएगा √17। और इसके अकॉर्डिंग नंबर क्या है, ए की अकाउंट से डिवाइड हो जाता है अकाउंट में दिया जाता है, तो आपका आ गया ये दोनों। ठीक है, यहाँ पे आपके जो है एक्स की वैल्यू ये दोनों आई है और वाई की वैल्यू आपके जो है ये दोनों आई है। अब जाहिर सी बात है, अगर आप चाहो तो इसे सॉल्व कर सकते हो। √17 का ऑलमोस्ट कितना आएगा आपका 4×16, यानी कि 4 इसका रूट निकल जाएगा अकाउंट में 3, यानी कि वैल्यू आ जाएगी 1.33। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आएगा प्लस का 3, 5 से 15, और ये माइनस का करीब करीब 5 आएगा, यानी कि वैल्यू आएगी 0.8, वो भी किसकी, माइनस की है ना, माइनस के 0.08 है ना। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा तो ये वैल्यू आएगी आपके प्लस का 2 है ना, ये प्लस का 2 और ये प्लस का 3। अच्छा, अब एक्स और वाई में अगर आप कंपेयर करते हो तो ये क्या है आपका प्लस का 2 है और ये क्या है प्लस का 3 है, तो जाहिर सी वैल्यू एक्स की वैल्यू जो है वाई से कम है। और अगर मैं 1.33 से इसको कंपेयर करता हूँ तो ये क्या है, ज्यादा है। तो यहीं से आपको देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है कि एक प्लस एक मतलब एक ग्रेटर देन आ रहा है, लेस देन आ रहा है, तो ए की वैल्यू बड़ी और छोटी दोनों कैसे हो सकती है। इसका मतलब क्या है, कैन नॉट बी डिटरमाइन, आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बार समझ आए। तो यानी कि इस वाले, अगर मैं इस वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो ध्यान से देखना इस वाले क्वेश्चन को मैं किस तरीके से और सॉल्व कर सकता हूँ। अच्छा, अगर सॉल्व हो जाता है तो सही है, और अगर नहीं होता है तो सही है। ठीक है, वैसे मैं साइन के अकॉर्डिंग देखता हूँ, मतलब कि पहले आप फैक्टर निकालने से पहले एक बार आप साइन से चेक कर लेंगे कैसे है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब आपको जो है फैक्टर निकालने की जरूरत कब पड़ेगी ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो है साइन, जाहिर सी बात है यू, इसका दो फैक्टर निकलेंगे इसका, तो दो फैक्टर में यू और बी, तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा एक प्लस आ जाएगा, और इसने देखा कि साइन चेंज होगा ईमानदार बैठा, तो इसका अकॉर्डिंग ये प्लस ही आ जाएगा, तो प्लस प्लस। और इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूँ तो इसके भी क्या आएगा, एक तो प्लस आ जाएगा, और इसने देखा कि बगल में मेरे माइनस बैठा तो वो चेंज होने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है, देखो प्लस की प्लस से कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, इससे तो हम कुछ नहीं बता सकते, लेकिन प्लस की माइनस से कंपेयर करते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये वाला हो जाएगा ऊपर वाला ग्रेटर देन। प्लस की प्लस से करेंगे तो कोई हम जो है बता कुछ बता नहीं सकते, लेकिन इस प्लस की माइनस से करेंगे तब भी आएगा आपका ग्रेटर देन है ना। तो टोटल मिलाने अगर मैं बात करता हूँ तो एक आ रहा है, एक का मतलब क्या आ रहा है ग्रेटर देन, इससे तो आपका नॉर्मल निकल रहा है ना, इससे तो आपका नॉर्मल निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या है,
कि ग्रेटर देन आपकी वैल्यू आ रही है, जबकि वहां पर आपकी क्या क्या वैल्यू आई थी, एक तो आई थी आपकी प्लस टू आई थी है ना, 3.6 प्लस टू आई थी, और एक आपकी कितनी आई थी 0.4 और 1.33 है ना, 1.3 आई थी, और यहाँ पर कितनी आई थी आपकी, यहाँ पर आई थी आपकी 5 आया था ना, 3 आया था, और ये कितना आया था प्लस, प्लस का 3 आया था, और यहाँ पे आया था कितना माइनस का 17, तो माइनस का 0.8। अच्छा यहाँ पर अगर मैं यहाँ से कंपेयर करता, ध्यान से देखना, प्लस 2 और प्लस 3 यहाँ पे क्या है लेस देन आया, और 1.3 प्लस 3 तो ये भी आपको क्या है लेस देन ही है, ठीक है। और अगर मैं इसकी इससे कंपेयर करता तो ये वाली वैल्यू आनी बड़ी, ये वाली वैल्यू आनी क्या बड़ी, प्लस का 1.3 बड़ा है किससे, माइनस के 0.08 से, तो इसका मतलब क्या है एक वैल्यू बड़ी आ रही है और एक वैल्यू छोटी आ रही है, तो इसका मतलब क्या है सी एंड डी आपका जो है, ये आपका जो है ऑप्शन जो है हो जाएगा सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कभी कभार ऐसा फट जाते हैं, ठीक है, तो इतना भी शॉर्टकट नहीं जाना है, बस ये क्या है हाँ कहीं कहीं अप्लाई हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए आपका जो है जल्दी आंसर निकल जाता है, अदरवाइज आपको फैक्टर वाला तरीका ही सॉरी अपना रहे, ठीक है। चलिए अब देखिए आपके सामने, अगर ये आपके सामने जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि इसको आपको सॉल्व करना है और एक्स के वैल्यू निकालनी है, और इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है और आपको वाई की वैल्यू निकालनी है, तो देखो इसको देखिए घबराना नहीं है, डायरेक्ट आप क्या करो एलसीएम ले लो, तो आपका क्या जाएगा 12 - 23 हो जाएगा, आप एलसीएम लेके जो है डायरेक्टली मैक्सिमम कैलकुलेशन आपको दीवार में करनी है, तो यानी क्या करना है आपको समझाने के लिए कहूँ, तो रूट एक्स मैंने क्या करा, रूट एक्स को मैंने क्या लिया, इसका एलसीएम ले लिया दोनों का, ठीक है, ये दोनों 12 - 23 आ गया, आपको कितना आ गया 5√ आ गया एक्स, तो इसका मतलब ये कितना रहेगा 12 और 11, यानी कि माइनस के 11 इक्वल टू हो जाएगा 5 × x, तो आप क्या कर सकते हैं एक्सक्यूब निकाल सकते हैं माइनस के 11/5, यानी कि आपको क्या आ गया 5 × 10 और 5 × 10 को भी कितना आया माइनस का, एक्सक्यूब वैल्यू होगी माइनस की। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो आप क्या करें कि रूट वाइज से जो है ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो रूट वाइज से मल्टीप्लाई किया तो 5/12 मिल जाएगा, और ये आपका बन जाएगा 5/12 और ये आपका बन जाएगा 1, है ना, और हमें क्या है 12 भी जो है दिक्कत कर रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 12 को आपने ऐसे ले लिया तो ऊपर क्या आएगा वाई माइनस के 5/12 = 1, यानी क्या क्या आ जाएगा आपका ये वाली, अगर मैं वैल्यू बात करता हूँ तो 5 y से यहाँ है ना, तो यहाँ से आपको वैल्यू क्या आ गई माइनस के 4y = 12, यानी कि 4 + 12, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 3, y की वैल्यू आपकी आ गई माइनस के 3 और x की वैल्यू आ गई माइनस के 2.2, इन दोनों में बड़ा करूंगा तो ऐसी बात है माइनस में वैल्यू जितनी ही कम होती है उतनी ज्यादा बड़ी होती है, तो x यहाँ पे जो है x ग्रेटर देन y है, तो आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यही फर्स्ट जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप उसे आसानी से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। चलिए अब हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, तो आपके सामने जो है देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 11, ये आपका जो है अभी यहाँ से मैं जो 10 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, तो ये IBPS क्लर्क में आपके आ रखे हैं, ठीक है, 10 के 10 क्वेश्चन, तो आप देखिए सिंपल ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके मतलब क्लर्क में, तो क्लर्क का मतलब क्या है कि आपको अगर 10 क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिया तो आपको मतलब 10 क्वेश्चन तो कोई छीन ही नहीं सकता है, ठीक है। तो अच्छा देखिए उसके बाद क्या है, देखिए 2x² इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 2x² + 9x + 9 = 0, तो इसका फैक्टर, इसको फैक्टराइज कर दो, क्या देखो 9 × 2 = 18 हो गया है ना, 9 × 2 कितना हो गया 18, और 18 का मतलब 9 × 2 = 18 हो गया, ये 9, यानी कि 18 का हम क्या हम ऐसे करेंगे कि 9 के ऐसे फैक्टर जिसको जो है मल्टीप्लीकेशन करके तो 18 आ जाए और जोड़ घटा करके कितना आ जाए 9 आ जाए, है ना। तो अगर मैं 9 की बात करता हूँ, 6 × 3 = 18, 6 + 3 जोड़ देते हैं, या आपको 6 हो गया, ये 3 हो गया, 6 × 3 = 18 हो गया, 6 × 3 = 9। अब इसके बारे में बात करता हूँ तो ये प्लस का साइन है तो माइनस का हो जाएगा, इस प्लस वाले ने देखा मेरे बगल में बैठा है बेईमान, प्लस को हम बेईमान मानते हैं, तो इसने कहा कि मैं भी साइन चेंज कर लूंगा, और इसके नीचे आ जाता है अकाउंट में एक कितना है 2, एक कितना है 2, तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर आपका निकल जाएगा एक्स की वैल्यू निकलेगी आपके माइनस के 3 और ये निकलेगा माइनस के 1.5, है ना। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, अब ध्यान से देखना 15 × 4 = 60 है ना, 15 × 4 = 60, यानी 16 के ऐसे फैक्टर है जिसको मल्टीप्लीकेशन करने पर 60 है और जोड़कर 16 है, तो एक ही हो सकता है 10 और 6 = 10 × 60 और 10 और 6 = 16, इसके अकॉर्डिंग मैं देखता हूँ तो ये आ जाता है आपका प्लस का हो जाएगा माइनस, और प्लस वाले ने देखा अपने बगल में कि मेरे बगल में कौन बैठा है बेईमान बैठा है, तो मैं अपना साइन चेंज करूंगा, तो इसने कर लिया अपना साइन चेंज किए, ठीक है। और इसके और इससे क्या है अकाउंट में ये आता है, अकाउंट में ये कितना है 15 है और अकाउंट में कितना है 15 है, तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 × 10 और 5 × 15, यानी कि माइनस के 2/3 = माइनस का 0.6, है ना, 3 × 6 = 18, और एक दूसरी वैल्यू आपकी क्या आएगी 3 × 6 = 3/15, यानी कि दूसरी वैल्यू जो आएगी माइनस का 2/5, यानी कि वैल्यू आएगी माइनस के 0.4, है ना, तो माइनस के 0.4 है और माइनस के 0.6,
तो हमें क्या करना है, पहले पहले वाली वैल्यू से कंपेयर करते हैं y की, माइनस 3 से 0.6 से कंपेयर किया तो हमें क्या पता चला कि ये आपका लेस देन जाने से पहले, क्योंकि माइनस में वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी होती है वो उतनी छोटी होती है, और जो जितनी छोटी होती है वो उतनी ज्यादा बड़ी होती है। ये क्या है, सबसे छोटी वैल्यू होती है, इसका मतलब क्या है, ये जो y की वैल्यू बड़ी और x क्या है छोटा हो गया, इसकी इससे कंपेयर किए तो इससे हमें क्या पता चला, फिर भी ये क्या है छोटा ही है, तो यानी कि सही है। और माइनस के 1.5 से इसको कंपेयर किया तब भी ये क्या है, तब भी ये बड़ा ही है ना, वाई बड़ा ही है, माइनस 1.5 से इसको कंपेयर किया तब भी ये बड़ा ही है, यानी कि हमारे पास जो आंसर आ जाएगा x इज लेस देन हो जाएगा वाई, क्योंकि x जो है हर हालत में जो y से जो है छोटा ही है, तो इसके लिए हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 3 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम क्या देख लेते हैं, माइनस माइनस है तो हम कुछ नहीं, हाँ तो इसका हमें करना क्या है कि माइनस माइनस, अच्छा हम अगला ऑप्शन देखते हैं इसमें। अच्छा देखिए आपके सामने 12वां क्वेश्चन क्या है, 12वां क्वेश्चन देखिए कैसा है, 2x³ की जगह पे 256 दे रखा है, तो इसको सॉल्व करो, 256 किसका स्क्वायर होता है ये आपको पता होना चाहिए, 16 का होता है ना, 16 256 होता है, 2 × 16 हो गया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 की पावर 3, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, आपके x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 2 है ना, x की वैल्यू आ जाएगी आपके प्लस का 2, और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी y का स्क्वायर, अब ध्यान से देखना ये क्यूब है तो इसका क्या है 2 × 3 बार आ जाएगा है ना, तो इसका मतलब क्या है 2 × 3 बार आ जाएगा, तो वो प्लस 2 प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ पे इसे सॉल्व करो 2 × 20, तो 2 × 20 यानी कि 9 कैसे फैक्टर जिसके मल्टीप्लीकेशन करके आ जाए 20 और जोड़ के आ जाए कितना, मल्टीप्लीकेशन करके आ जाए 20 और जोड़ के आ जाए 9, तो 5 × 20 हो गया, और इसके अकॉर्डिंग हमें चेंज कर तो माइनस का जाएगा प्लस, प्लस ने देखा मेरे बगल में कौन बैठा है ईमानदार, माइनस को हम ईमानदार मानते हैं, तो इसने कहा कि मैं साइन चेंज नहीं करूँगा, तो इसका आ जाएगा प्लस, और ठीक है, और इसमें आ जाएगा अपॉन में ए आ जाता है, तो अपॉन में ए आ गया, तो इसकी यहाँ पर वाई की वैल्यू कितनी आ गई, वाई की वैल्यू आपकी आ गई 2.2 प्लस में, और एक आ गया आपकी 2 प्लस में, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ प्लस 2, अगर हम एक्स की कंपेयर करते हैं वाई से तो क्या आएगा प्लस का 2 से क्या है लेस है, और प्लस का 2 प्लस 2 के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि एक्स लेस देन इक्वल टू है किसके वाई के, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर आ जाएगा 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप सभी को अभी ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आने लगे होंगे, और जो पहली बार देख रहे तो उनको यहाँ से समझ नहीं आएगा, वो पहले जो है पहले वीडियो को जाके देखिए बहुत अच्छे तरीके से, फिर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। सारे प्रीवियस एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखो IBPS क्लर्क में ये आपके 6 क्वेश्चन आए थे, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है 11 से स्टार्ट हो गए थे, चलिए अगला देख लेते हैं हम। तो देखिए आप सभी के सामने अगला क्वेश्चन ये रहा 13वां क्वेश्चन जो कि IBPS क्लर्क में आया था, क्या है देखिए 6 और 24, तो इसका फटाफट देखते हैं आपको क्या करना है, फैक्टर कर लेने हैं, ठीक है। अब देखो अगर चाहो तो आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हो, फटाफट आपने क्या देखा माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस ने देखा इधर माइनस है तो इधर ईमानदारी, तो मैं साइन चेंज नहीं करूंगा, इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा प्लस साइन, तो इसका मतलब क्या है दोनों तरफ में प्लस प्लस आ रहा है, इसका मतलब हम इसके ऊपर भी डिफाइन नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हमें मजबूरन फैक्टर जो है निकालना ही पड़ेगा। तो अब ध्यान से देखना फैक्टर हमें निकालना है 6 और 24, तो 11 के ऐसे फैक्टर जो कि जो है गुणा करके आ रहे हैं 24 और जोड़ के आ रहे हैं कितना जो है 11, तो एक ही हो सकता है 8 या 24, तो 8 ये आपका जाएगा, इसके अगर मैं देखो तो ये आएगा प्लस, इसमें देखा अपने पीछे कौन है ईमानदार बैठा है, नेगेटिव को हम ईमानदार लेट करते हैं, उसने कहा कि ईमानदार बैठा कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लस का प्लस ही आ जाएगा है ना, और अपॉन में कितना जाएगा अपॉन में दिया जाता है, तो इसके अपॉन में आ जाएगा ए है ना, तो आपका आ जाएगा ए, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 × 8, 2 × 6, और ये आ जाएगी आपके प्लस में आ जाएगी 1/2, यहाँ पे कितना जाएगी प्लस का जाएगा 1.33, और ए की लिख लो 3 है ना, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 0.5, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 3 × 6 तो 6 तो यानी 5 के ऐसे फैक्टर जो कि मल्टीप्लिकेशन करके आ जाए 6 और जोड़ के आ जाए 5, तो 3 और 2 ही आपस में, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो माइनस का माइनस के इसके बगल में जाएगा प्लस का प्लस, ने देखा इधर मेरे बगल में बैठा है ईमानदार तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो प्लस का प्लस ही आ जाएगा, ठीक है। ये सारी ट्रिक मैं पहले बता चुका हूँ इसलिए हम जल्दी कर रहे हैं, ठीक है। आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा जिन्होंने पहला लेक्चर जो है अच्छे से देखा, अभी अकाउंट में क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, इसके अकाउंट में आ जाएगा ए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी वाई की वैल्यू आपकी आएगी यहाँ पे आ जाएगी प्लस का 1, और एक आ जाएगी प्लस का देंगे 0.6, ठीक है। और अगर मैं जो है एक्स और वाई की वैल्यू से कंपेयर करूं, पहले 1.3 की वैल्यू 1.3 को कंपेयर करो इंधन से, तो 1.3 क्या है बड़ा है 1 से, और 1.3 बड़ा है किससे 0.6 से, ऐसे 0.5 जो है छोटा है 1 से, और 0.5 जो है छोटा है इससे, तो यानी कि आपको क्या पता चल रहा है कि ए की वैल्यू जो बड़ी और छोटी दोनों है, तो इसका मतलब क्या है सी एंड डी, यानी कैंसर हो जाएगा हमारे पास, कैन नॉट बी डिटरमाइन आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक ही वैल्यू बड़ी एक ही वैल्यू छोटी, इसलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा 5वां जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं।
देखिए आप सभी के सामने अगला क्वेश्चन ये ना कि काफी ज्यादा इजी आते हैं, आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ज्यादा इजी होता जाएगा, ठीक है। अब अच्छा आगे देखिए क्या है, जेक्स स्क्वायर यानी कि तीन का अगर अच्छा पहले अगर आप चाहो तो वैसे यहाँ पे दोनों एक ही क्वेश्चन है इसलिए साइन का कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। देखिए साइन को आप अलग अलग तब चेक करेंगे जब दोनों में अलग अलग साइन है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है, दोनों तरफ अगर अलग अलग साइन दिख जाते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस है, दोनों तरफ प्लस, यानी साइन से कुछ मिलने वाला, हमें फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो तीन की मल्टीप्लाई करिए दस से दस आएंगे तीस, यानी कि ग्यारह के ऐसे फैक्टर जो कि गुना करके आ जाए कितने तीस और जोड़ घटा करके कितना जाए इलेवन, तो छह पाँच ग्यारह छह और पांच है ना, बड़ी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड और छोटी वैल्यू राइट हैंड साइड, प्लस के अकॉर्डिंग आ जाएगा माइनस, प्लस वाले देखा मेरे बगल में बैठा है मेहमान तो उसका भी साइन चेंज चेंज हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा क्या ए, ये आ जाएगा ए और इसके आ जाएगा अपॉन में, इसके अपॉन में भी क्या जाएगा ए, तो यानी आपके एक्स के वैल्यू में क्या निकलेगा, एक्स के वैल्यू निकलेगा माइनस का टू, यहाँ पे निकलेगा आपका तीन एकम तीन माइनस का और तीन छह अठारह, ठीक है। तो एक माइनस टू वन पॉइंट सिक्स और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ देखो चौदह दोनों अट्ठाईस, तो आपके 11 के ऐसे फैक्टर जो कि जोड़ जो है जोड़ घटा करके आ रहे हैं 28 और जो है गुणा करके कितने आ रहे हैं 28 आ रहे हैं और जोड़ घटा करके आ रहे हैं 11, तो क्या हो सकते हैं आपके 7 चार 11 है ना, 7 चार 11 तो 7 और 4 7 चार 28, इसके अगर इनको प्लस कर देगा माइनस, प्लस हमने देखा मेरे पकड़ में बैठा है प्लस यानी कि बैमान बैठा, तो अपना साइन चेंज कर लेगा माइनस का और इसके अकाउंट में आ जाएगा ए, ए की वैल्यू है दो, तो इसके वैल्यू आ जाएगी ये, यानी कि आपके वैल्यू में निकल जाएगी माइनस के दो तीन छः, दो माइनस के एक मिनट, दो तीन छः और दो पंद्रह दस है ना, तो आपका आ जाएगा माइनस के 3.5, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का टू है ना। और अब आपको क्या करना है कंपेयर करना है, इसकी वाली माइनस टू है माइनस 3.5 से कंपेयर करेंगे तो जैसे बात है माइनस वैल्यू जितनी कम होती है उतनी ज्यादा बड़ी होती है, तो एक्स बड़ा है इससे माइनस टू कंपेयर यानी कि इक्वल आ रहे हैं और माइनस 1.6 बड़ा है, सही है माइनस 1.6 इससे बड़ा है, यानी कि आपका जो आंसर आ जाएगा x is greater than equal to आ जाएगा आपका y, ठीक है। इतनी बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी, ठीक है। देखो हमें पहले पता है कि माइनस की जो वैल्यू होती है ना, जो जितनी जैसे अगर मैं बात करता हूँ माइनस के वन और माइनस के पचास के बारे में, तो हमारे पास बड़ी वैल्यू कौन सी होगी माइनस का वन जो है पचास माइनस पचास से बड़ी वैल्यू होगी, बस वही ट्रिक हमने यहाँ पर लगाई है, उस तरीके से हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सेकेंड जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही है, चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए आपके सामने जो अगला क्वेश्चन है जो 15वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि 12x² + 11x + 2 = 0 है, तो इसमें फटाफट आपको करना क्या है, क्या देखो यहाँ पर भी प्लस है यहाँ पर भी प्लस है यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस है, मतलब साइन का कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, मतलब हमें मजबूर फैक्टर निकालने पड़ेंगे, तो फटाफट फैक्टर कैलकुलेट करना है आपको 12 2 24, यानी कि आपको क्या करना है कि 24 के ऐसे फैक्टर जो कि जोड़कर आ जाए 11 और गुना करके आ जाए 24 है ना, तो कैसे 8 3 24 और 8 3 11 है ना, 8 3 24 और 8 3 11 हो जाता है, इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा माइनस, इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा माइनस, क्योंकि इसने क्या देखा कि मेरे जो सुबह में कौन बैठा है बेमान, तो बेमान के अकॉर्डिंग वो साइन चेंज करेगा अपना रूप चेंज करेगा माइनस का थ्री, इसके अकॉर्ड में आ जाएगा 12, इसके अकॉर्ड में आ जाएगा जो है कितना 12, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 4 2 8 और 4 3 12 और ये आ जाएगा आपका माइनस के 1/4, यानी कि यहाँ पे वैल्यू आने वाली है आपकी माइनस के 0.6 और यहाँ पे आ जाएगी माइनस के 4 2 8 0.25 आ जाएगी है ना। अब यहाँ पे देखो क्या जाएगा आपका 12 के अकॉर्डिंग, यानी कि आपको क्या है कि 12 कम 12, तो 7 के ऐसे फैक्टर जो कि मल्टीप्लाई करके कितने आ जाए 12 और जो घटा करके कितना आ जाए 7, तो 4 3 7 हो जाते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग देखा तो प्लस क्या आ जाएगा माइनस, और इस प्लस वाले ने देखा मेरे जो है आगे कौन बैठा है बेईमान बैठा है, तो बेईमान के अकॉर्डिंग आपका क्या आ जाएगा माइनस, ये अपना साइन चेंज कर लेगा अकाउंट में आ जाएगा 12, क्योंकि अकाउंट में क्या जाएगा आपका ए आ जाएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग में चेंज करता हूं माइनस के 1/3 और माइनस के 1/4 है ना, और यहाँ पे अगर मैं करूँ तो माइनस का 3 3 9 0.3 इसमें आ जाएगा माइनस का 0.25 है ना। अब मुझे करना क्या है कि इन दोनों को कंपेयर करना, यहाँ से देखना माइनस के 0.6 बड़ा है फिर माइनस के 0.3, जाहिर सी बात है छोटी वाली है वाई वाली आपकी बड़ी होगी, यानी कि वाई आपका हो जाएगा छोटा एक्स हो जाएगा छोटा किससे वाई से, अब माइनस का 2.5 और माइनस के 0.3, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, तो दोनों में बड़ा कौन है माइनस का 0.25 बड़ा है और 0.30 क्योंकि इसको मैं इसको नहीं लिख सकता 30 जो है छोटा है, तो आप ध्यान से देख सकते हैं एक ही वैल्यू जो बड़ी और छोटी दोनों वाली, इसका मतलब क्या है कि आपका आंसर हो जाएगा क्या सी एन ई, यानी कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, आगे कुछ भी आपको जो है चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इतनी बात समझ आए ऑप्शन नंबर आपका जो है 5 जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम, तो देखिए बच्चों ऑप्शन के सामने जो है अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ भी प्लस साइन यहाँ भी प्लस साइन यहाँ भी प्लस साइन यहाँ भी प्लस साइन, तो इससे हमें क्या पता लगा
यानी प्लस साइन से तो हम हमारा कुछ नहीं हो सकता, मतलब हमें जो है फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो 21 है ना, 21। तो दोस्तों बीच में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी तो हम उसको सही कर लिए हैं, ठीक है। तो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करना है, 21x² + 10x + 1 = 0। तो यानी कि आपको क्या करना है, देखो ध्यान से, साइन से कोई इफेक्ट कम नहीं पड़ेगा, जैसे यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, साइन को हमें देखना ही नहीं है। यानी कि हमें जो है हमारी मजबूरी है क्या फैक्टर निकालना है। तो यहाँ से देखना 21 = 21, यानी कि 21 के ऐसे फैक्टर जिसको जोड़ घटा करके 10 आ जाए और जो है वगैरह करके आपको जो है मल्टीप्लाई करके आपको क्या आ जाए 21 आ जाए। तो 7 × 10 = 21, यानी कि 1 7 आएगा और 1 आएगा 3। तो 3 क्या करेंगे अगर हम देखते हैं तो ये 21 है, तो ये प्लस है, प्लस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे यहाँ पे माइनस, प्लस हमने देखा कि इसके बगल में आपका कौन है, बेईमान बैठा है, जिसे हम प्लस को मानते हैं बेईमान। तो बेईमान के अकॉर्डिंग क्या करेगा, अपना साइन जो है चेंज कर देगा। उसके अकॉर्डिंग 21 है, 21/1 कर देते हैं, 21/1 कर देंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/3 और ये माइनस का 1/7, ठीक है। इसको भी अगर आप चाहें तो फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि 3 क्या है माइनस के 0.3 और ये आ जाएगा माइनस के 0.1 और फिर 728, तो माइनस का 1.4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको भी चेक कर सकते हैं आप, ध्यान से देखना ये जो 26 है ना, तो 24 पंजी कितना आ जाएगा, 24 पंजी आ जाएगा 120, है ना। और 120 आ गया तो इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, 20 + 6, तो 20 और 6 = 26 हो जाएगा और 6 × 12 = 120 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर रहेगा आपका, ये प्लस है तो प्लस की जगह ये इसके ऊपर आ जाएगा माइनस, और इसने क्या देखा आपने बैक देखा तो कौन बैठा है बेईमान, यानी प्लस बैठा है, तो आपने साइन चेंज कर देगा माइनस आ गया। और ये जो वैल्यू आती है अकाउंट में आपका क्या आता है, अकाउंट में दिया जाता है, तो ए की वैल्यू है 24, तो यहाँ से आप वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं कितनी आ गई आपकी, माइनस के 4 × 20 और 4 × 6 = 24, माइनस के 5.6 और 6 × 24, तो ये कितना आ गया आपका, माइनस के आ गया 6 पॉइंट आ जाएगा, 6 × 8 = 48 और 6 × 3 = 18, ये कितना आ जाएगा माइनस के 0.25, ये भी माइनस के आ जाएगा, ये कितना जाएगा 0.33। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, एक्स और वाई की आपस में कंपेयर करनी है, यहाँ से देखो माइनस के 0.33, माइनस के 0.33 में बड़ा कौन है, माइनस के 0.33, क्यों, क्योंकि जो है माइनस की जो वैल्यू जितनी छोटी होती है वो उतनी बड़ी होती है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या पता चला एक्स जो है बड़ा आ रहा है। फिर माइनस 0.33 की इससे कंपेयर करिए तो इस समय क्या पता चला ये वाला आपका छोटा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है बड़ा छोटा आ रहा है, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपका रॉन्ग आ जाएगा, इसका मतलब क्या आ गया आपका सी एंड डी, यानी कि आपका रहता है क्या आएगा आपका कैन नॉट बी डिटरमाइंड, आपका आंसर जो है हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप हम कुछ आशा करते हैं आप सबको ये अच्छे तरीके से समझ आ रहे होंगे, ठीक है। और अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करके अब भी बता सकते हैं कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आई, तो नेक्स्ट टाइम उसको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। अगर आपने पहला वीडियो देखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए आप सभी के सामने अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, x² - 5x + 4 = 0, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे साइन में कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर पड़ेगा, यहाँ पे माइनस में यहाँ पे प्लस में, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे आएगा माइनस और ये इसके अकॉर्डिंग पीछे देखेगा तो ये क्या देखेगा बेईमान है, तो माइनस माइनस, यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये माइनस का हो जाएगा क्या प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस में क्या देखा पीछे कौन बैठा है ईमानदार बैठा है, तो ये भी आपका साइन चेंज नहीं होगा। तो यहीं से देखो प्लस वाली वैल्यू ज्यादा से ज्यादा माइनस वाली वैल्यू से बड़ी होगी, इसका मतलब कि एक्स क्या है आपका हमेशा बड़ा आएगा इससे वाई से, तो आपका जो है ये आपका आंसर जो है हो सकता है। और जाहिर सी बात है ये प्लस की वैल्यू माइनस वाले के एक बार तो हो ही नहीं सकती है ना, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और जिनको यकीन नहीं आ रहा है तो देखो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। और जो आसानी से निकाल सकते हैं तो वो आपका जैकपॉट हो जाएगा, कि मतलब कि कम समय में आपको जो है आपने ज्यादा मार्क्स गेन कर लिए, तो इसको अगर चेक तो क्या आपका 5 कैसे फैक्टर जिनको जो घटा करके आ जाए 5, तो आपका कितना जाएगा 4 और 1, तो 4 × 4 5 हो गया, तो ये माइनस है माइनस का आएगा प्लस, और ये प्लस क्या देखेगा माइनस के मान बैठा है साइन चेंज नहीं करेगा, ठीक है। और ये अपॉन में बने तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपॉन में बना अपॉन में बने, यानी कि प्लस का 4 और प्लस का 1 आपका जो है ये आ गया आंसर, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 5 के बारे में बात करता हूँ, तो ये देखो 5 × 5 = 6, तो 5 कैसे फैक्टर जो कि गुणा करके आ जाए 6 और जोड़ के आ जाए जो है 5, तो 3 × 2 = 5, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जाएगा प्लस का जाएगा माइनस, प्लस वाले देखेगा पीछे बैठा है बेईमान, ये अपना साइन चेंज करेगा, ये माइनस में आता है। यहाँ से देखो प्लस का 4 बड़ा है किससे, माइनस 3 से प्लस का 4 बड़ा है, माइनस 2 से बड़ा है, प्लस का 1 बड़ा है माइनस 3 से, प्लस का 1 बड़ा है 2 से, यानी कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो इस तरीके से भी आपको जो है आंसर निकल सकता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं कुछ नए क्वेश्चन। तो ये देखिए आप सभी के सामने जो अगला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। ये सारे देखिए प्रिपरेशन में आ रखे, आपको यही पे मेहनत करनी है, यही मेहनत आपके आगे जाके जो है रन लेकर आएगी, ठीक है।
चलिए चेक करते हैं, आप ध्यान से देखो यहाँ पे देखो साइन का लोचा यानी कि साइन से हम साइंस का लोचा है, यहाँ पर हम साइन से चेक कर लेते हैं। देखो माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस वाले ने देखा पीछे बैठा है ईमानदार माइनस बैठा तो मतलब ये साइन चेंज नहीं करेगा, इसमें आपका क्या साइन माइनस का हो जाएगा प्लस और ये प्लस ने क्या देखा पीछे बैठा है ईमानदार तो अपना साइन चेंज नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है देखो ध्यान से ये वाली जो प्लस की वैल्यू है इस वाले प्लस से जाहिर सी बात है इसके बारे में तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये वाला जो प्लस है इससे जो है क्या है बड़ा है और ये वाला प्लस इससे बड़ा है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि x आपका लेस देन है y। लेकिन एक बात और हम यहाँ पर प्लस वाले में कंफर्म नहीं कर सकते कि इक्वल भी आ सकता है ना, इक्वल भी आ सकता है, इसलिए इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है तो फटाफट हम चेक कर लेते हैं, फटाफट चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए फटाफट, हमें फैक्टर चाहिए। तो फैक्टर के लिए हमें क्या करना है देखो ध्यान से, 15 दुना 30 तो 30 के ऐसे फैक्टर जो कि जोड़ घटा करके बन आ जाए और मल्टीप्लाई करके 30 आ जाए, तो 5 6 30 6 5 30 बड़ी वाली वैल्यू इधर लेफ्ट हैंड साइड और छोटी वाली वैल्यू राइट हैंड साइड, माइनस के अगर बात करता हूँ तो ये आ जाता है प्लस और ये माइनस वाले ने देखा इधर क्या है माइनस है तो इसने अपना साइन चेंज नहीं किया, तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा 6 और 5 और अपॉन में क्या है देखो ये आता है तो अपॉन में आ गया ए, यानी कि एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी प्लस का 3 आ गई और माइनस का 2.5 आ गई। ठीक है अच्छा अब इसको भी चेक कर लो, ये 23 है ना, तो 23 के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो ध्यान से देखो 23 तो अगर 42 से मल्टीप्लाई करो 42 दुना क्या क्या हो जाएगा आपका 84 हो जाएगा और ऐसे करो 3 दुना 6 और 4 दुना 4 किया 12 126 आ गया। तो 23 से हम 23 के मल्टीप्लाई किससे करेंगे कि जोड़ के आपका कितना आ जाए 23 आ जाए और मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए 126 आ जाए, तो क्या करेंगे हम 18 5 23 18 5 90 हो जाएगा है ना। तो हम क्या करते हैं अच्छा इसी के फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है 2 से करते हैं तो 2 3 2 3 12 2 3 6 और 3 से करते हैं 3 दुना 6 3 1 3 तो ध्यान से देखना 21 और 3 नहीं तो ये तो आएगा नहीं 3 7 21 हो गया है ना 3 7 21 हो गया, तो 3 3 9 और 7 9 14 यानी कि 14 प्लस 9 14 और 6 कितना हो जाएगा 20 3 23 और 14 निम्मा क्या होता है 14 निम्मा हो जाता है आपका 126 14 और 9 को जोड़ के आ गया 23 और 14 निम्मा 126 तो उसके हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा कितना 14 निम्मा 126 14 143 और आंसर आ जाएगा आपका 14 और ये 9। ठीक है तो फटाफट आप इससे भी आंसर जो है निकाल सकते हैं, तो आप देख सकते हैं 14 और 9 आ गया इसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा प्लस और ये प्लस वाले ने देखा कि इधर बैठा ईमानदार तो अपना साइन चेंज नहीं करेगा और अपॉन में क्या है आपका ए आ जाता है अपॉन में आ जाएगा ए तो वाई प्लस ए तो यहाँ से आप पहले निकालो 3 6 3 4 12 प्लस का 3 4 12 और 3 6 18 है ना, तो 3 6 18 आ जाएगा आपका और यहाँ पे क्या जाएगा 3 3 9 प्लस का 3 और यहाँ पे कितना है ये आया। अब इसको दोनों को कंपेयर कर दो, प्लस का 3 प्लस का 4.3 यानी कि लेस देन है, प्लस का 3 प्लस का 3 क्या है इक्वल है और माइनस का 2.5 और इससे क्या है छोटा ये एक्स क्या है लेस देन ये छोटा ये और ये इससे भी छोटा यानी कि आपकी वैल्यू आ जाएगी एक्स लेस देन इक्वल टू आपकी आ जाएगी वाई, तो यानी कि हमने ये तो निकाल लिया था एक्स लेस देन वाई, लेकिन देखो ध्यान से देखा आपने कि इक्वल की भी आपकी वैल्यू आ गई, इसका मतलब क्या है ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा ध्यान से देखेंगे ये आपके सामने 19वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, माइनस प्लस है और प्लस माइनस है, यानी कि यहाँ पर देखो माइनस प्लस और प्लस माइनस से कहने का मतलब क्या है कि आपको साइन जो है सेम ही मिलने वाले हैं, यहाँ पे आपको प्लस माइनस मिल जाएगा यहाँ पे आपको माइनस और प्लस मिल जाएगा, यानी कि कोई भी हम साइन से तो जो है कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, इसका मतलब हमें चाहिए फैक्टर। तो ये क्या है 54 * 54 तो 54 कैसे फैक्टर है जिन्हें जोड़ घटा करके आ जाए आपका 15 और मल्टीप्लाई करके आ जाए 54 तो कितना आएगा 9 6 54 तो 9 आ जाएगा इधर 6 आ जाएगा इधर तो आपका आ जाएगा माइनस के अकॉर्डिंग प्लस साइन आ जाएगा और इधर प्लस वाले ने देखा कि आगे बैठा ईमानदार तो ये प्लस नहीं रहेगा, अपॉन में वन करो या नहीं करो तो आपका आंसर ये नहीं करेगा प्लस का सिक्स। ठीक है अब इसके बारे में अगर मैं चेक करता हूँ तो 54 * 54 तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना 9 6 54 क्या यहाँ पे कर सकते हैं 9 6 15 9 6 9 6 54 तो अगर हम यहाँ से भी निकालते हैं 9 6 54 है ना 9 6 54 की अगर मैं बात करता तो यहाँ से आपको दूसरा देखना पड़ेगा ठीक है 9 6 54 आप नहीं कर सकते सेम ई की जगह नहीं ले सकते हैं। ठीक है यहाँ पर आप इसको अलग से तोड़ लो 18 36 18 54 तो ये आपका जाएगा 3 और इसको तोड़ लेंगे तो आपको कितना आ जाएगा ये प्लस का हो जाएगा माइनस और ये माइनस से इसने देखा कि बेमान बैठा है तो ये अपना साइन चेंज कर लेगा तो यहाँ पे आपका है 18 - 18 और 3 इसके अकॉर्डिंग आपको क्या पता चला कि प्लस 9 और प्लस 18 में कंपेयर कर लो कौन बड़ा है एक्स बड़ा है, प्लस 9 प्लस 3 में कौन बड़ा है एक्स बड़ा है, प्लस 6 और 18 में बड़ा है नहीं एक्स और प्लस 6 प्लस 3 में बड़ा है एक्स यानी कि आपका आंसर आ जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन आ जाएगा आपका वाई। ठीक है अच्छा यहाँ पर हमने ऐसे क्यों नहीं किया अब ध्यान से एक बार ये समझने के बाद क्योंकि हमारे यहाँ पर बराबर का कोई ऑप्शन नहीं है ना यहाँ पर हमारे पास बराबर का कोई ऑप्शन नहीं है
ठीक है। और वैसे भी अगर मैं वैसे भी नॉर्मल देखना चाहूँ ना, देखो यहाँ से अगर मैं 9 और 6 में निकालूँ तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 9 और प्लस का प्लस वाली आपकी एक वाली आएगी आपकी प्लस के, एक वाली माइनस के, की प्लस का। देखो यहाँ पे देखो 9 और 6 के वाले में अगर मैं करता हूँ प्लस के आ जाएगा माइनस, और माइनस देखा प्लस है तो इसने भी अपना साइन जो है चेंज करेगा, तो माइनस का 9 और प्लस का 6 आ गया है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू क्या जाएगी, प्लस का 9। देखो कैसे भी वैल्यू आ सकती है, हमने इस तरीके से किया तब भी इस तरीके से भी कर सकते हैं, प्लस का 9 माइनस 9 से कौन बढ़ाए एक्स बढ़ाए, और प्लस का 9 प्लस 6 से एक्स बढ़ाए, और प्लस का 6 और माइनस का 9 से कौन बढ़ाए 6 बढ़ाए, और प्लस का 6 6 से कौन है बराबर है, तो आपकी वैल्यू ये भी आ सकती है ना। तो या तो ये आएगी या फिर ये आ सकती है सेकंड वाली है ना, तो दोनों से आप कर सकते हैं। तो मैंने दोनों तरह की आपको बता दी, दोनों तरह के फैक्टर आपके हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बात समझिए, चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए आप सभी के सामने अगला क्वेश्चन ये ना, एक्स स्टार प्लस 14x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। तो देखो प्लस, अब देखो यहाँ पर हाँ साइन से आपको पता लग जाएगा, देखो प्लस प्लस से प्लस का जाएगा माइनस, प्लस मैंने देखा कि आगे बैठा है बेईमान तो इसने चेंज कर दिया, माइनस का जाएगा प्लस, माइनस मैंने देखा आगे ईमानदार बैठा तो इसने कर दिया माइनस, तो यहाँ से देखो प्लस माइनस, तो जाहिर सी बात ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, माइनस माइनस के अकॉर्डिंग हम कुछ नहीं निकाल सकते, लेकिन हाँ हमें ये पता चला कि वाई इज ग्रेटर देन एक्स, यानी कि एक्स क्या है लेस देन है वाई से, इस तरह से निकला। लेकिन हाँ माइनस माइनस तो क्या है कि वैल्यू आपकी इक्वल भी हो सकती है, तो इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा, फटाफट हम निकाल लेते हैं। यहाँ से देखो 40 एकम 40, तो 14 के ऐसे ऐसे फैक्टर जो कि जोड़ के आ जाए 14, तो क्या है 10 और 4 हो सकते हैं, प्लस का हो जाएगा आपका माइनस, और प्लस वाले देखा आगे बेमान बैठा है तो ये भी अपना साइन चेंज कर लेगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे तो बने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फिर भी हम आदत के लिए कर लेते हैं ताकि हमारी आदत पड़ी रहे, ठीक है। ये आ गया, और ये देखो 24 एकम 24, तो 5 के ऐसे फैक्टर जो कि जो है 24 गुणा करके 24 है घटा के आ जाए, तो 8 और 3 हो गया, 8 से 3 गया 5, 8 3 24, माइनस के अकॉर्डिंग आ गया आपका प्लस 5, माइनस ने देखा कि इधर ईमानदार बैठा है तो ये साइन चेंज नहीं करेगा, प्लस 8 आठ, यहाँ से देखो ये माइनस का 8 या प्लस का 8 क्या आपको लग रहा है कौन सा बड़ा है, वाई बड़ा है आपका, यानी एक्स हो गया छोटा, माइनस 10 माइनस 3 में कौन बड़ा है ये वाई बड़ा हो गया, तो इसका मतलब तो हमें ये निकल रहा है कोई ऑप्शन ही नहीं निकल रहा है, सी एन डी का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड है ना, तो ऑप्शन नंबर जो है 5 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ आई, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा आप सभी के सामने अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन में क्या है, एक्स स्क्वायर के डायरेक्ट वैल्यू निकाल दो यहाँ पर 225, और एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी प्लस माइनस निकलेगी 225, यानी प्लस का 15 और माइनस का 15, ठीक है। अब प्लस का 15 निकले और माइनस का 15 निकले, तो यहाँ पे क्या करो कि एक्स की वैल्यू 15 की वैल्यू पुट करो, ठीक है, एक्स स्क्वायर की 225 आ गई ना, प्लस में वाई स्क्वायर की वैल्यू कितना 306, वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 306 में 225 घटा देंगे 11, और बचेगा कितना ये 10 में से दो गए 8 है ना, 8 बचेगा, तो आपका कहना है वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 9, तो यहाँ पर भी कितनी आ जाएगी प्लस माइनस आपके 9 आ जाएगी, यानी कि आपका आ जाएगी प्लस का 9 और एक आ जाएगी माइनस का 9। अब आप इसमें कंपेयर कर लो, क्या प्लस के 15 प्लस के 9 में कौन बढ़ा है एक्स बढ़ा है, प्लस के 15 माइनस के 9 में कौन बढ़ा है एक्स बढ़ा है, माइनस के 15 और प्लस के 9 में क्या 9 में कौन बढ़ा है वाई बड़ा है, और जबकि ध्यान से देखो बस यही भी आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या दिखा ग्रेटर देन दिखा लेस देन दिखा, एक एक नंबर जो बड़ा और छोटा दोनों तो नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है सी एन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। इतनी बात समझ आई, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है, और ये यहाँ तक मेरी तरफ से जो है कंप्लीट हो गया। अगर आगे और भी क्वेश्चंस अगर मैं देखता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रीवियस में आए थे तो मैं वो सारे आपके सामने डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। तो अभी तक इतने आ गए थे, तो आशा करते हैं आप सभी को ये सारा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।